कुछ दिनों में झारखंड के अंदर 12 युवाओं की मौत हो चुकी है। ये युवा एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन देने के लिए आए थे और अपना फिजिकल टेस्ट देने के लिए आए थे। ये जो एग्जामिनेशन है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये झारखंड के 5 अलग अलग जिलों में हो रहा था, लेकिन 12 युवाओं की मौत के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने अभी 3 दिन तक इस पर रोक लगा दी है और कहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इसकी जांच करेगी कि ये जो मौतें हैं वो कैसे हैं। ये जो भर्ती है ये 583 पदों के लिए निकली थी, जिसमें 1,00,000 से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो अपेयर हुए थे। 5,00,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इस भर्ती के लिए अप्लाई किया था, लेकिन 12 लोगों की मौत हो गई इसमें और 100 से ज़्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हो गए। इतनी जो बेहोशी का कारण और जो मौत का कारण है वो बताया जा रहा है कि इतनी तेज गर्मी में 1 घंटे के लिए दौड़ाए जाने के बाद कुछ युवाओं की जो है डिहाइड्रेशन हो गया और कुछ लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो अभी हम झारखंड के रांची में हैं और ऐसे ही एक कैंडिडेट के परिवार से मिलेंगे। सरकार की तरफ से क्या कमियां आपने महसूस की हैं कि ये सरकार की कमी रही जिसकी वजह से विकास लिंडा की मृत्यु हुई? देखिए, कमी अगर बोला जाए तो उसमें देखिएगा कि अगर आप कंडक्ट करा रहे हैं तो आप पे फिजिकल टीम को जो चिकित्सक हैं स्पेशलिस्ट वहाँ रहना चाहिए और वो भी ऑन द स्पॉट में, जैसे वैन हो या ऑक्सीजन हो या जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट का सामान हो वो स्पॉट्स में ही ना स्पॉट। और ऑक्सीजन आप बता रहे हैं स्पॉट में, तो दूर हॉस्पिटल में भी नहीं मिल पाई, हॉस्पिटल में भी नहीं मिल पाई। तो ये मैं बोलना चाहूँगा सरकार से कि आप जो भी अरेंजमेंट करा रहे हैं या नेक्स्ट जो भी आप निकालिएगा तो इसका सारा व्यवस्था कीजिए, इसके बात कराइए। आप जैसे कि आप बता रहे थे कि उनकी बहन और भाभी भी जो है उनके साथ गई थी, उसी सेंटर में वो भी दौड़ने के लिए गई थी जी, लेकिन डेट अलग अलग था। जैसे विकास का 31 को था, एक कुछ उसका भाभी का था, दो को उसकी बहन का था, दीदी का था। तो उसके बाद जैसे 31 को विकास कैसे तबीयत खराब हुआ, तो भाभी उसका का हुआ, वो गए दौड़ने की तारीख को, फिर पता चला कि वो ऐसे हो गया विकास, तो फिर उसकी दीदी जो गई थी अनुराधा वो नहीं दौड़ी। उसके बाद फिर वहाँ से उसको लाश को लेके आए, पोस्टमार्टम वगैरह करा के एम्बुलेंस का व्यवस्था वहीं से करा के। डॉक्टर का कहना है कि ये जो युवा है ये बहुत ही बेयर मिनिमम डाइट लेकर 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए आए, और सोने की बात करें तो इनके पास ना सोने के लिए बेहतर सुविधाएं थी, कुछ लोग तो सिर्फ स्टेशन पर ही सो गए। बहुत से लोग कर्ज लेकर 200-250 रुपए कर्ज लेकर अपनी इस फिजिकल टेस्ट में अपेयर हुए थे, और इसके लिए 10 किलोमीटर दौड़ने को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि इसके लिए एक तैयारी लगती है और डाइट लगती है जो इन युवाओं को जहाँ तक नहीं मिल पाई थी। और यहाँ के जो मृतकों के जो परिवार हैं उनकी लगातार शिकायतें हैं कि उनके जो वहाँ पर सेंटर्स से वहाँ पर सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं हो या फिर ORS की सुविधा हो, पानी वानी की सुविधाएं बेहतर नहीं थी, और अगर अस्पतालों की स्थिति बेहतर होती तो शायद कुछ कैंडिडेट्स को बचाया जा सकता। इन मृतकों के परिवारों का ये भी कहना है कि जो इस फिजिकल टेस्ट में जो मौत का सिलसिला है वो बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन कुछ मौत होने के बाद भी ये जो फिजिकल टेस्ट है ये अलग अलग सेंटर्स पर होते रहे, लेकिन सरकार ने लापरवाहियों को नहीं पहचाना और ये जो टेस्ट है इनका सिलसिला होता रहा। टेस्ट रुकवाने के लिए, पूरी प्रोसेस रुकवाने के लिए 12 लोगों की मौत हुई, उसके बाद ये जो प्रोसेस है इसको रोक दिया गया। अभी फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है, विपक्ष से लेकर मौजूदा सरकार तक इस मुद्दे पर लगातार अपने कमेंट्स जो है वो दे रही है। विकास लिंडा की बहन भी अपने भाई के साथ उसी परीक्षा के लिए साहिबगंज के सेंटर पहुंची थी। वो बताती हैं जहां उनके भाई को रखा गया उसकी हालत बेहद खराब थी और सेंटर पर मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। तो अनुराधा जी, आपने वहाँ क्या सुविधाएं देखी, आपके लिए कैसा था पूरा जो वहाँ पे माहौल था, किस तरीके का था, थोड़ा अगर आप बता पाए। हॉस्पिटल में कुछ व्यवस्था नहीं था, उसमें सारा चीज खाली था, ना उसमें डॉक्टर नजर आ रहे थे, ना नर्सें नजर आ रही थी, ना वार्ड बॉय नजर आया, ना वहाँ कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं था। वहाँ जो पेशेंट थे पहले से, उनके बेड के नीचे कितना दिन से खाना पड़ा हुआ था वो ऐसा ही था, ना कचरा में रखा गया था पेशेंट को कि वो ऐसा ही
बीमार पड़ जाता। अगल बगल के लोग इतने गंदे थे, उन लोग का कोई सफाई नहीं था। जो बेडशीट बिछाया गया था वो कितना दिन से बिछा हुआ है वैसा ही रखा हुआ है, और उसका ट्रीटमेंट हुआ नहीं हुआ कोई ये नहीं था, बस एक स्लाइन का बोतल था, उसका कुछ नहीं था। स्टेडियम में कुछ सुविधाएं थी, मेडिकल सुविधाएं वैसा कुछ नहीं था। जहाँ पर दौड़ लगाई गई, जहाँ आपके भाई दौड़े, वहाँ पर कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बस एम्बुलेंस थे, जो बेहोश होता था डायरेक्ट एम्बुलेंस से ला के हॉस्पिटल में फेंक दिया जाता। माता जी, जब आपके जो बेटे हैं विकास लिंडा, जब गए घर से जा रहे थे दौड़ने के लिए, तो क्या कुछ बातचीत आपकी हुई, क्या कहकर गए थे आपसे? ना, हम दौड़ में निकालेंगे और नहीं भी सकेंगे तो हम ट्राई पहला ट्राई करेंगे, पहला ट्राई दौड़ने का ट्राई करेंगे करके बोले थे। जब वो जा रहे थे तो खुश थे? हाँ, खुश तो थे, बोले थे जाएंगे करके बोले, लेकिन लौट नहीं पाए। कितने दिन पहले नोटिफिकेशन आया था कि आपको दौड़ लगानी है, ये फिजिकल टेस्ट होना है इसका? ये तो पहले ही आया था। कितने दिन पहले? हम एडमिट कार्ड एक सप्ताह पहले निकाल चुके थे, फिर भाई से बात की। हम पहले जो ऐसे मृत्यु हो रहा था ना, उसको देख के डर गया था, फिर हम सोचे कि हम नहीं जाएंगे, हमको बहुत डर लग रहा है ये सब देख के। वो बोला कि क्या डरती है, ये सबको मत देखो, तुम थक जाएगी निकल जाना, लेकिन जबरदस्ती तुम दौड़ना नहीं, लेकिन चलो हार नहीं मानना है, फिर चल गया। तो मतलब ये जो मृत्यु हो रही है ऐसे दौड़ फिजिकल टेस्ट के बीच, आप तक पहले खबरें पहुंच गई थी कि ऐसा हो रहा है, तो आप लोग भी डरे हुए थे कि कहीं ऐसा हो न जाए। हाँ, इसलिए नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वही जबरदस्ती बोला कि चलो आपके भाई ने, हाँ, हार नहीं मानना, फिर हम भी मान गए चलो फिर। लेकिन फिर सोचे कि चल ठीक है, तो हम लोग रुकेंगे, फिर 2 तारीख को साथ में सब कुछ साथ में आएंगे घर। तो दीदी को कॉल किए कि हम लोग रुकेंगे और 2 तारीख को ख़त्म हो जाएगा मेरा, उसके बाद साथ में हम लोग सब साथ में ही आ जाएंगे। दीदी बोली ठीक है, उन लोग को आने मत देना, लेकिन क्या पता था कि हम लोग इस कदर साथ में आएंगे वो हम लोग नहीं जानते। 12 लोगों की मौत के बाद झारखंड सरकार ने ये भर्तियाँ, फिलहाल इन भर्तियों पर रोक लगा दी है। हर पार्टी के नेता इस मामले पर बोल रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जिन भी लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए।